चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोग को मालूम था कि हम लोग के प्लेटफॉर्म पे जितने भी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, क्योंकि लगभग हम लोग का जो कोर्स है वो कंप्लीट होने ही वाला है। अब कुछ ही दिन का बात है, कोर्स कंप्लीट हो रहा है, साथ ही साथ रेगुलर टेस्ट हो रहा है। तो इसी कड़ी में सब बच्चों का क्वेरी था कि सर, सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोए रहते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है वैसे ही वो जागते हैं। तो आपको सोने का ज़रूरत नहीं, साथ ही साथ आपका नया साल भी आ गया है। पिछले साल आप क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उसको भूल करके एक बेहतर कड़ी में आप आगे बढ़िए नए साल में, नए जोश के साथ, और कोशिश कीजिए कि आपका अच्छा बेहतर रिजल्ट हो। तो इसी कड़ी में जो सेमेस्टर 3 का जो हम लोग के पास नोटिफिकेशन आ चुका है यूनिवर्सिटीज़ का, FYUG, दैट मीन्स 4 साल का जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम आप ही लोग से स्टार्ट हुआ है। 22-26 आपका सेशन है, 22-26 सेशन है। इसमें से देखिए फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया, तो फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो 4-1 कब से, देखिए आपका यहाँ पे दे दिया है कि 4-1 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि कल से। आज 3 जनवरी है, कल 4 जनवरी से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो बच्चे 11 तारीख तक फॉर्म नहीं भर सकेंगे वो 12 से 15 के बीच 500 रुपया विलम्ब शुल्क दे करके वो फॉर्म भर सकेंगे। उसमें से भी कोई बच्चे यदि छूट जाते हैं तो 1,000 रुपया विलम्ब शुल्क के साथ अब 16 जनवरी तक फॉर्म भर लेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो है 11 तक से पहले ही फॉर्म भर दें। हो सकता है कुछ त्रुटियां होंगी तो बीच में आप उसको समझ सकेंगे, क्या दिक्कत होगा बीच में आपको उसको करेक्शन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेन कुछ नोट दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं क्या है। क्या बोला है कि आंतरिक परीक्षा अंक परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत ही, मतलब जैसे है इसमें कहना है कि इंटरनल का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही आप जो है वो फॉर्म भर सकेंगे। बाकी वो तो बात है, अलग अलग कॉलेज का भी इंटरनल एग्ज़ाम अपना ले, उस पर डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो आपका 650 रुपया है, ये सबको मालूम होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ है, जैसे BCA हो गया, BBA हो गया, बायोटेक हो गया, BSc हो गया, CA हो गया, EBS साइंस, ये सब का जो परीक्षा शुल्क है वो 1550 है। कितना है? 1550, समझ में आ रहा है? 1550, ये 1550 ये लोग का है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जिसको हम दिखा देते हैं थोड़ा बढ़िया से। क्या दिखा देते हैं कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, दैट मीन्स ABC का ID ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने में अवश्य उल्लेख करें। तो जो ABC कार्ड बनता है, कोशिश कीजिएगा कि जिनका बना हुआ है वो अच्छी बात है, जिनका नहीं बना हुआ है आप ABC कार्ड बनवा लें, तभी आप सेमेस्टर 3 का फॉर्म भरने को जाएं, ठीक है? क्योंकि आपको ABC कार्ड का वहाँ पे उल्लेख करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है? और क्या है ABC कार्ड, क्या है इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एकदम एक पूरा डिटेल। यदि आप लोग का डिमांड है तो ABC पे एक हम पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे कि कैसे बनता है, इसका क्या यूज है। साथ ही साथ ये जो कल से फॉर्म फिलअप होगा, आप बच्चे कोई गलती ना करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में चूज करने में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्टेप टू स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप हो रहा है उसका हम वीडियो बना करके आपको दे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।